एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, क्या आप लोग ओथ ऑफ लव देख रहे हो? मैंने कल से ही स्टार्ट किया है देखना। मुझे ज़रूर बताना हाँ कि आप देख रहे हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान अब रूरल माउंट्स में है, जहाँ पे लनजा, जियांगचाय, वेनिंग एंड जेवुचुन गए थे। वेनिंग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था उस रिसेंटफुल एनर्जी के लिए, तो वो वहाँ से चला गया था बाहर। अब अंदर सिर्फ लंजा, जियांगचैन एंड जेवुचुन थे। वुशियान के बॉडी में रिसेंटफुल एनर्जी ने कब्जा कर लिया था एंड उसके बॉडी हवा में था। वो बिल्कुल फ्रोज था, उसके पूरे बॉडी में उसका कोई भी हक नहीं था एंड वो बिल्कुल अपने अंदर ही चला गया था। उसके अंदर से ईलिंग पैट्रियार्क जाग रहा था। उसके आसपास सिर्फ ब्लैक स्मोक्स थे एंड वो बेहोश था। तो जेवुचुन ने कहा कि वो उसके माइंड के अंदर जाएगा एंड उसके मेंटल स्टेट को जानेगा। फाइनली जेवुचुन वुशियान के माइंड के अंदर गया जियांगचैन की मदद से एंड फाइनली अब जेवुचुन वुशियान के माइंड के अंदर है। जेवुचुन ने देखा कि वुशियान के माइंड को टॉर्चर किया जा रहा है, उसके सब कुछ ब्लेम किया जा रहा है, सबके डेथ्स का, इनफैक्ट उसके खुद के डेथ का। वुशियान तड़प रहा है अंदर ही अंदर एंड जेवुचुन ये सब देख रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था कि इतने दिनों से वुशियान ये सब कुछ अपने आप में ही झेलता रहा है, उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने देखा कि वुशियान ट्रैप्ड है डेमोनिक एनर्जी में। जेवुचुन वुशियान के माइंड के और भी अंदर जाना चाहता था उसको स्टॉप करने के लिए, पर वुशियान ने उसको पुश कर दिया। इसलिए जेवुचुन को और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि शायद वो अब वुशियान को नहीं रोक पाएगा। वुशियान कैसे ट्रैप्ड देख के जेवुचुन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड डार्क एनर्जी ने जेवुचुन के गोल्डन कोर को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जियांगचैन नोटिस कर सकता था कि जेवुचुन डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे, इसलिए जियांगचैन ने बहुत कोशिश किया जेवुचुन को बाहर लाने की एंड फाइनली जेवुचुन अपने होश में आए, वो अपने बॉडी में वापस आए। बट उनका हालत बहुत ही बुरा हो चुका था, तो लनजा ने उनको सहारा दिया। जेवुचुन ने कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू जियांग वाइन मुझे बचाने के लिए। लनजा ने कहा, भाई विंग। जेवुचुन के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, उसके माइंड को टॉर्चर किया जा रहा है, उसको सब कुछ के लिए ब्लेम किया जा रहा है, सबके डेथ के लिए, इनफैक्ट उसके खुद के डेथ के लिए। उसका रिसेंटफुल एनर्जी उसको प्रोवोक कर रहा है, उसको स्ट्रांग बना रहा है एंड मोशुयानु का गोल्डन कोर अब डेमोनिक बन चुका है। ये सुनके लंजा बिल्कुल टूट गया। जेवुचुन ने कहा, अगर वो जाग भी गया, वो शायद तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहेगा, वो कोई और हो जाएगा जिन्हें हम नहीं जानते। शायद वो ईलिंग पैट्रियार्क बन के जन्मेगा, जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर है। अब नेक्स्ट डे हो गया। जेवुचुन ने सोचा कि अब वो क्लाउडरेसेस वापस जाएंगे एंड सबसे मदद मांगेंगे एंड जूनियर से कहेंगे कि वो लाइब्रेरी पेविलियन के फॉरबिडन रूम पे जाके वो बुक में रिसर्च करे। उन्होंने लंजा से भी रिक्वेस्ट किया जाने की, पर लंजा कहाँ जाने वाला था, वो वहाँ पर ही रुक गया। जियांगचैन को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसका पावर रहते हुए भी वो अपने भाई को सेव नहीं कर पा रहा, वो भी वहाँ से चला गया। अब लंजा उस केव में अकेले थे विंग के साथ। लंजा सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग उसके सामने है, वो उसको टच भी नहीं कर सकता। लंजा कह रहा था, प्लीज़ विंग, फाइट करो हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, तुम एक मैन हो जो ट्रूथ एंड ऑनर के साथ रहता है, सो मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा। अब घंटों बीत रहे थे, लंजा को पता भी नहीं था कि ये शाम हो रही है या सुबह, वो सिर्फ वहाँ पर ही बैठा हुआ था। अब उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, उसने चिल्ला कर कहा, गिव अप मत करना मेरे स्टबर्न वाइफ, तुमने इससे बुरे सिचुएशन में भी सर्वाइव किया है और तुम अब भी कर सकते हो, तुम फाइट करो डैमिट, तुम वीक नहीं हो, तुम स्ट्रांग मैन हो, मैंने ज़िंदगी में ऐसा स्ट्रांग मैन कभी भी नहीं देखा, तुम मेरे इक्वल हो, तुम मेरे हो एंड मैं तुम्हें जाने से रिफ्यूज़ करता हूँ। लंजा ये सब बातें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। अब लंजा देख रहा था कि ब्लैक स्मोक ने विंग को पूरा ढक लिया। पहले तो लंजा उसका फेस देख सकता था, बट अब लंजा उसका फेस तक नहीं देख सकता। तभी लंजा चिल्ला कर बोलने लगा, नहीं उसे मत लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। बट थोड़ी ना कुछ होने वाला था। तभी उसको फील हुआ कि किसी ने उसके शोल्डर को टच किया। लंजा अपनी तलवार को निकाला उसको आक्रमण करने के लिए,
तभी सिजुई ने कहा, फादर। लंजा बहुत ही शॉक्ड हो गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो आयुवन, मैंने तुम्हें। तभी सिजुई ने कहा, इट्स ऑल राइट फादर, मैं यहाँ पर हूँ। फिर सिजुई ने पूछा, वो कैसे हैं? लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता। सिजुई उइंग के पास गया, उसे टच करने ही वाला था कि लंजा ने कहा, उसे टच मत करो, बहुत ही स्ट्रांग है। सिजुई ने कहा, क्या जेबोचुन सही कह रहे हैं? क्या वो येलिंग पैट्रियक बन गया है? लंजा ने कहा, सिजुई ने कहा, बट वो हमें हर्ट नहीं कर सकता, वो हमसे प्यार करते हैं। एंड मुझे पता है कि ये उनका एक प्रैंक है, आपको पता है ना कि वो हमेशा गेम खेलते हैं। मुझे लगता है कि वो अब जागेंगे एंड ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे। ये सुन के लंजा का दिल जैसे टूट गया। उसने कहा, सिजुई ने कहा, नहीं वो नहीं जा सकते, ये बोलकर वो चिल्लाने लगा। उसने कहा, ये कोई येलिंग पैट्रियक नहीं है, ये मेरे पापा है, आपका हस्बैंड, आपका सोलमेट। लंजा ने सिजुई को हक कर लिया और कहा, आयुवन मैं चाहता हूँ कि तुम क्लाउडसेस वापस जाओ एंड अपने अंकल से कहो कि अब ये स्ट्रांग होते जा रहा है, विंग के साथ जो भी हो रहा है और भी बुरा होते जा रहा है, सबको प्रिपेयर रहना है। सिजुई ने कुछ कहने की कोशिश की पर लंजा ने कहा, प्लीज़ तुम्हें स्ट्रांग रहना है मेरे लिए, उसके लिए। सिजुई ने नोट किया, देन उससे लंजा को वो खाना दिया जो वो उसके लिए लेकर आया था। फिर वो वहाँ से जाने लगा। लंजा ने देखा कि वहाँ पे जिंगी खड़ा है जो सिजुई को हक कर लिया। जब लंजा ने उसकी तरफ देखा तो जिंगी ब्लश करने लगा। देन सिजुई एंड जिंगी वहाँ से चला गया। लंजा वापस आया विंग के पास और कहने लगा, विंग मुझे लगता है कि हमारे बेटे का बॉयफ्रेंड है एंड मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ये पहले से पता था। तुम्हें जल्दी वापस आना पड़ेगा क्योंकि हमें हमारे बेटे को सिखाना है कि लव क्या होता है, मैरिज क्या होता है, ताकि वो हमारी तरह नहीं बने, क्योंकि हमें तो ये सब पता ही नहीं था। ये बोल के लंजा हंसा। लंजा ने कहा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मेरे हस्बैंड, मैं वीक हूँ, तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं फिर से वेट नहीं कर सकता, एक मिनट भी नहीं। आई लव यू विंग, प्लीज़ आई ऑलवेज लव यू। फिर लंजा धीरे धीरे ज़मीन पर सो गया एंड विंग के साथ सपने देखने लगा। एंड इस तरफ विंग उसके बॉडी के अंदर वो ट्रैप्ड हो गया है, उसके आसपास से बहुत सारे स्क्रीमिंग हो रहा था, उसे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था कि उसने लंजा को हर्ट किया है, वो मरना चाहता था। उसके सबकी डेथ की याद आ रही थी, इनफैक्ट खुद की, वो अपने आप को ही ब्लेम किया जा रहा था। वो देख रहा था कि लंजा उसके सामने खड़ा है। विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने रफली कहा, विंग। विंग ने कहा, आई लव यू, आई एम सॉरी। लंजा ने कहा, रियली तुम सच में सॉरी हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ झेला एंड तुम सिर्फ सॉरी बोल रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए 13 साल वेट किया है बट तुम कभी भी वापस नहीं आए, ना ही कोई होप था। तुम्हारे लिए मैंने 33 वाइप मार्क्स झेले, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया मैंने एंड तुम सिर्फ सॉरी बोल रहे हो? विभूषियन, विंग ने अपने हाथों से अपने कानों को ढक लिया। वो कहने लगा, प्लीज़ इसे बंद करो, अब मैं नहीं सह सकता। तभी उसको एक वॉयस आया, वो कह रहा था, हम आपके सारे पेन ले लेंगे माई मास्टर, आपके सारे सफरिंग्स, सारे स्ट्रगल हम ले लेंगे, आपको सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना है एंड हमारे लिए हमारे तरह बनना है। एंड वो डेविल आवाज़ बार बार बोलने लगा, नो मोर पेन, नो मोर सफरिंग, नो मोर विंग। ये बात सुन के विंग चिल्लाने लगा, येस प्लीज़, अब नहीं सह सकता मैं, ऐसा ही करो। देन विंग ने अपने डेथ को वेलकम कर लिया। इस तरफ लंजा रोज़ रोज़ बोलता रहा, विंग वापस आ जाओ, विंग मेरे पास वापस आ जाओ। अब 10 दिन हो चुके थे। लंजा ने हर तरह की कोशिश कर लिया, गोचिन से, बीचेन से, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से, बट कुछ भी नहीं हुआ। अब लंजा सिर्फ वेट कर सकता था, फिर से वेट। अब दिन बीता जा रहा था बट कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं। अब 12 दिन हो चुके थे, लंजा का बॉडी ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था, ना उसने कुछ खाना खाया था, ना वो सोता था। जब भी सोता था उसे सिर्फ ड्रीम्स, नाइटमेयर्स, ये सब ही आते थे। एक दिन वो सुबह उठा, उसका बॉडी ऐसे हार मान लिया था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बट अचानक से उसने पूरे केव को देखा, कुछ डिफरेंट फील हो रहा था। वो केव बहुत ही डार्क फील हो रहा था। वो अपने बीचन को निकलने ही वाला था
तभी उसने देखा अचानक से वो केव ग्लो करने लगा। आसपास के वॉल में बहुत सारे रेड लाइट आ गए। सेकंड में पूरा केव जैसे लाइट से भर गया। उसने विंग की तरफ देखा, अब उसके आसपास ब्लैक स्मोक्स जैसे कम हो गए थे। वो अब विंग के बॉडी को देख सकता था। उसने कहा, विंग? वो विंग के पास जाने ही वाला था कि वो फिर से पीछे हट गया। उसको बहुत ही बर्न फील हो रहा था आसपास के लाइट से। वो जब भी विंग के पास जाने लगा, तभी कोई ब्लैक स्मोक जैसे उसके हाथ उसके पैर को खींच रहा था पीछे की तरफ, ताकि वो विंग के पास ना जा सके। लंजा ने चिल्ला कर विंग का नाम लिया। उसके ऐसे ब्रेथ लेने में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। उस ब्लैक स्मोक्स ने उसे थकेल के वॉल की तरफ फेंक दिया। वो नीचे गिर गया। उसको सब कुछ विजन ब्लर हो रहा था, बट फिर से उसने अपने को ठीक किया। उसने देखा उसके हस्बैंड जो इतनी देर तक ब्लैक स्मोक्स में घिरा हुआ था, वो अब रिसेंटफुल एनर्जी में घिरा हुआ है। अब धीरे धीरे केव का ग्लोनेस भी कम होने लगा। लंजा ठीक से विंग को देख भी नहीं पा रहा था, बट फिर भी वो विंग की तरफ जाने लगा। लंजा बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था कि शायद उसका विंग वापस आ रहा है। उसने स्माइल किया क्योंकि वो विंग का फेस फिर से देख पा रहा है, बहुत हफ्ते बाद, बहुत दिनों बाद। बट लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो कैसे रहा है, ऐसे हो क्या रहा है। उसका माइंड जैसे लॉस्ट हो गया था। वो सिर्फ विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। उसने देखा उसके सामने विंग खड़ा है, उसका पैर ज़मीन पे है, उसका फेस भी ग्लो कर रहा है, वो और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। अब ये विंग का बॉडी है, मोशवानू का नहीं, ये पास्ट का विंग है। फिर से उसका बॉडी वापस आ गया, वही बॉडी जिसको लंजा ने प्यार किया था बट कभी भी किस नहीं किया था, ना ही कभी शादी किया था। वही इंसान जिसको वो 13 साल पहले खो चुका था। लंजा विंग को बुलाना चाहता था बट उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। फाइनली उसने कैसे भी करके बुलाया, विंग। उसने विंग की तरफ गया, हिम्मत करके उसने विंग के चिक्स पे अपने हाथ रखी। जब भी उसने अपने हाथ रखी, रिसेंटफुल एनर्जी ने उसके हाथों को घेर लिया। लंजा के पूरे बॉडी शेक करने लगा। वो अंदर ही अंदर कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी भी कंट्रोल में है, वो मेरे पास वापस आएगा, वो मेरे साथ आएगा, मैं उसे सेव कर सकता हूँ, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें सेव कर सकता हूँ। विंग ने आंखें खोली लंजा कैसे होपफुल आवाज़ सुन के। लंजा शॉक हो गया विंग के रेड आइज देख के। विंग के लिप्स में एक डेविल स्माइल थी। विंग ने लंजा के चिक्स को अपने हाथों में पकड़ा, देन उसके टीयर्स पोंछ लिया। विंग ने कहा, नहीं, तुम मुझे सेव नहीं कर सकते। तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसके अंदर से किसका वॉयस आ रहा है। वो फिर से कन्फर्म होने के लिए बुलाया, लंजा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये वॉयस किसका है, उसके अंदर से ये किसका वॉयस है। वो अपने आप को चेक करने लगा, अपने नेक पे हाथ देने लगा, देन उससे फिर से कहा, लंजा, कॉन्फिडेंस से। तभी लंजा ने कहा, विंग, तुम। लंजा विंग को ही देखे जा रहा था। वो विंग के बिहेवियर से बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गया था। वो अंदर ही अंदर कह रहा था, ये उसका सोलमेट है, ये उसका विंग है। विंग ने कहा, वेल, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट मैं एडमिट करता हूँ कि मैं इसे पसंद करता हूँ। और क्या क्या चेंज हुआ है, वो लंजा से पूछने लगा। विंग अपने हाथों को पूरे बॉडी में फेराने लगा। फिर उसने अपने फिंगर को अपने लिप्स के पास लेकर गया। वो सोच रहा था, अगर वो सामने वाला इंसान को किस करेगा तो कैसा फील होगा, क्या ये पहले की तरह सेम फील होगा। वो लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा उसकी तरफ ही देख रहा था, उसके लिप्स की तरफ देख रहा था जहाँ पे वो अपने फिंगर्स को फहरा रहा था। अब विंग धीरे धीरे अपने बॉडी पे हाथ देने लगा। वो अपने मसल को देख रहा था, वो अपने एप्स को देख रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, लंजा तो मूव ही नहीं कर पा रहा था, वो ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रहा था। विंग ने कहा, वाह, ये सच में मैं हूँ। ये देख के लंजा ने स्माइल किया, बट सडनली उसका स्माइल जैसे डेथ हो गया। जब उसने ये देखा कि उसका हस्बैंड कंटिन्यू अपने न्यू बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि अब विंग अपने सीक्रेट पार्ट्स को भी टच कर रहा था,
तो लंजा को जेलस फील हो रहा था, उसने विंग के हाथों को रोक लिया। विंग ने कहा, लंजा मैं क्यूरियस हूँ लवर। लंजा रियलाइज कर सकता था कि वो धीरे धीरे हॉट हो रहा है। विंग ने ये बात रियलाइज किया, उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसे देखना पसंद करते हो हैंगवांग जुन? ये सुन के लंजा ने ब्लश किया। विंग अपने हाथों को लंजा के एडम एप्पल में फहरा रहा था। विंग ने कहा, लंजा मेरे तरफ देखो। लंजा विंग के टच में लीन्ड हो गया था। फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, तुम किसे देख रहे हो लंजा? विंग चाहता था कि लंजा खुद बोले कि वो किस तरह दिख रहा है। जब लंजा ने कोई भी आंसर नहीं दिया, विंग अपने कपड़े उतारने लगा। विंग ने फिर से पूछा, लांगवांग जी तुम किसे देख रहे हो? अब धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। लंजा ने कहा, विंग। लंजा को पता था कि विंग क्या चाहता है। तभी विंग ने गिगल की और कहा, लंजा क्या तुम मन ही मन में अपने क्लैन रूल्स को रिपीट कर रहे हो? क्या तुम मुझे अभी टच नहीं करोगे? अब लंजा कुछ ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था, उसको स्वेटिंग भी हो रहा था। लंजा ने मौन करते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा मुझे पता है कि मैं अंदर से कौन हूँ, पर मैं बाहर से कौन हूँ? क्या किसी ने फिर से अपने बॉडी सेक्रीफाइस किया है? क्या मैं फिर से मर गया? लंजा ने अपने हेड को सेक किया तो विंग ने कहा, देन मैं कौन हूँ? लंजा ने कहा, विंग। तुम विंग हो, पुराने विंग। विंग वोट कर रहा था शायद लंजा कुछ और भी कहेगा, पर लंजा ने कुछ और नहीं कहा तो विंग उसके शोल्डर को शेक करने लगा और कहा, क्या मैं अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गया? मुझे लगता है कि तुम मुझसे थोड़ा छोटे हो लंजा। वेट, तुमने कहा कि मैं अपने ओल्डर बॉडी में हूँ, तुम और भी कुछ कहना चाहते थे? क्या बोलना चाहते थे हस्बैंड? लंजा ने कहा, स्टिल ब्यूटीफुल। विंग ने लंजा को छोड़ दिया, देन पीछे जाने लगा। लंजा ने कहा, विंग। लंजा विंग पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगा, बट विंग का बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बल्कि और भी पेन में चिल्ला रहा था। लंजा ने ट्रांसफर करना बंद कर दिया। लंजा विंग को हक करने लगा, तभी वो रुक गया क्योंकि डेमोनिक एनर्जी उसके चेस्ट में जैसे ब्लास्ट हो गया। वो शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लंजा ने कहा, विंग नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ। विंग ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो। मुझे एक बात पूछने दो हस्बैंड, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लंजा, तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है तुम उसके लिए क्या सोचते हो? लंजा ने कहा, विंग। लंजा जैसा रोने ही वाला था। विंग ने कहा, नहीं, अगर मैं विंग होता तो मेरे बॉडी तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता, बट ये तो बर्न कर रहा है, सो लांग वांग जी मैं कौन हूँ? विंग ने फिर से पूछा, मैं कौन हूँ लांग वांग जी? तुम्हें आंसर पता है, तुम स्मार्ट हो। लंजा ने अपने आँखें बंद कर लिया, उसे पता नहीं था वो क्या कहेगा। विंग ने फिर से पूछा, मैं कौन हूँ लांगवांग जी, मुझे बताओ हैंगवांग जुन। बहुत देर तक साइलेंट रहने की बात लंजा ने कहा, विंग तुम मेरे सोलमेट हो एंड मैं तुम्हें इतना इजीली जाने नहीं दूंगा। तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मैं हूँ एंड मैं तुम, हम लोग सोलमेट्स हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं हर एक जन्म से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। ये बात सुन के विंग के आईज सॉफ्ट हो गया, देन वो कहने लगा, देन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है लांगवांग जी, अब तुम हाफ हो चुके हो, ए सन विदाउट अ मून, आई यंग विदाउट देयर इन, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब प्यार फील नहीं करता, सिर्फ तुम ही क्यों, किसी के लिए भी नहीं। ये बात सुन के लंजा शॉक्ड हो गया, वो चिल्लाना चाहता था, नहीं। विंग चिल्ला चला कर बोलने लगा, यार ये कितना गुड फील हो रहा है, पता है इमोशंस बहुत ही ओवररेटेड होता है, अब मैं बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे एक नया इंसान फील हो रहा है। वेट, मैं तो एक नया इंसान ही हूँ।
अगर मुझे पता होता कि रिजेंटफुल एनर्जी मुझे दुनिया का सच दिखाएगा तो मैं बहुत ही पहले एक्सेप्ट कर लेता। लंजा चिल्ला कर बोलने लगा, नहीं विंग, फाइट करो, गिव अप मत करो। आई नीड यू, सीजू ही तुम्हें चाहता है, हम घर चलते हैं। विंग कन्फ्यूज हो गया, उसने कहा, सिजुई? यस, तुम्हारा बेटा लान युवन। वेट, तुम्हारा मतलब वेन युवन? ये सुनकर लंजा टूटी गया, उसने कहा, नहीं, उसका नाम लान युवन है। वो, विंग ने कहा, वो मेरे बेटा नहीं है, वो वेंस का बेटा है। वही वेंस जिन्होंने मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मुझे बाकी वेंस के साथ उसे भी मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तभी लंजा ने कहा, विंग प्लीज़ मेरे साथ गुसू वापस चलो। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहा था। अब विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसके अंदर डार्क एनर्जी जाग गया था, उसके आसपास ब्लैक स्मोक्स घूम रहे थे। विंग ने अपने हाथों से चेंचिंग को पकड़ा, उसने कहा, तुम्हें घर जाना चाहिए हैंगवांग जुन, एंड सबको कहना चाहिए कि येलिंग पैट्रियार्क वापस आ गया है, एंड दिस टाइम मैं किसी को भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। इससे पहले लंजा कुछ समझता कि क्या हो रहा है, विंग ने उसके ऊपर एक तलिस्मा लगा दिया था। लंजा एक ब्लिंग में क्लाउडसेस वापस चला गया। उसने देखा कि वो हंसी के सामने खड़ा है, उसके भाई के सामने। उसका भाई देख के शॉक्ड ही हो गया, उसने कहा, वांग जी क्या हुआ है? अब लंजा रो पड़ा, उसने कहा, विशन चला गया है भाई, येलिंग लोजो वापस आ गया है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? अब फाइनली विंग को अपना पुराना बॉडी वापस मिल गया। अब देखते हैं कि विंग वापस आता है या कब आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।